मैंने ना स्टडी टेबल को इस रूम में रख दिया है। वैसे मुझे कपड़े भी फोल्ड करने हैं और यहाँ पे से ये स्टूल हटा दिया है। कैसा लग रहा है यार ये वर्किंग स्पेस के लिए? यहाँ पे हम चेयर डाल के अपना कुछ काम कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पे ये टेबल नहीं रखी होगी एंड जो किचन में काम करेगा उसको डिस्टर्ब नहीं होगा एंड ड्राॅइंग रूम थोड़ा स्पेशियस लगेगा और साथ में आप बहुत ही पीसफुली साइलेंटली इस एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। दिन में आप इस विंडो को ओपन कर सकते हैं एंड रात में भी आप जिम करते हुए लोगों को देख के ना इन्जॉय कर सकते हैं। सो हाँ, मैंने ये रखा है। लेट्स सी, अभी वरुण घर पे नहीं है, वो आएंगे तो अपने रिव्यूज़ देंगे क्यों रखा क्यों रखा क्यों रखा। बट क्योंकि वो घर पे नहीं है तो हमने उसको उठाया है थोड़ा सा फ़ायदा। और इस वाले स्टूल को मैं पहुँचाने वाली हूँ स्टोर रूम में। और देखो अभी ड्राॅइंग रूम लग रहा है ना काफ़ी स्पेशियस यार, है ना, सही किया है ना। अब देखते हैं। और एक चीज़ नोटिस की आपने, ये देखो ये पैर के जो निशान बने हुए हैं ना, वरुण बैठते हैं यहाँ पर, जो ऐसे कभी पैर रख जाता है, ये सब जो निशान बन गए हैं बहुत ऑड लग रहे हैं। और अभी ये ऐसे टीवी का पूरा लग रहा है। मुझे क्या करवाना है ना, बाद में यहाँ पे पूरा टीवी यूनिट बनवाना है, एक वुडन का ऐसे लंबा, उसमें ऐसे स्लाइड्स लगवाने हैं, तो वो कभी बाद में होगा। बट या फिलहाल हमारा ये टीवी का हो गया है सॉर्टेड। और यहाँ से मैंने टेबल हटा दिया है, अभी गेट के सामने ना बिल्कुल टेबल रखा हुआ नहीं दिखेगा। बाकी ये स्ट्रॉलर पहुँचाने वाली हूँ मैं बालकनी में, पहले तो टेबल रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने स्पेस कर दिया है। ये मेरा एक इलेक्ट्रिक कुकर रखा हुआ है, वो तो स्टूल को ना मैं यहाँ रख दूँगी और उसके ऊपर ये कुकर रख जाएगा, उसके ऊपर ये स्टूल रख जाएगा, तो ये स्पेशियस है यह पूरा। एंड ये स्पेस यहाँ पर किसी काम का नहीं है, कॉर्नर का जो है। हाँ जी, तो ये देखो मैंने रख दिया स्टूल के ऊपर बॉक्स के ऊपर स्टूल, तो ठीक है ना, परफेक्ट, दिस इज़ परफेक्ट, अभी के लिए तो परफेक्ट बोल सकते हैं ऐसे। और वो रही टेबल एंड यहाँ से हो गई है टेबल की क्लीनिंग। और ये देखो टेबल के नीचे जमा हुआ था थोड़ा सा कूड़ा जो मैं अभी क्लीन कर दूँगी। एंड मैं क्या सोच रही हूँ, इस वाले एक सोफ़े की एक जो एक क्या है चेयर है सोफ़े की, उसको भी वहीं पहुँचाते हैं, देखते हैं फिर कैसा लग रहा है, वरना वापस यहीं पर रख देंगे, क्या जा रहा है। परफेक्ट है यार, मस्त अपना ऑफिस का काम कर सकते हो यहाँ पे बैठ के। वो तो मैंने अभी थोड़ा पीछे कर दिया। बाकी ये रहा बेड, ये रहा टेबल एंड ये रहा विंडो। आप मस्त अपना ऑफिस का काम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी और को डिस्टर्ब किए। क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है, जब वरुण ऑफिस करते हैं ना अपना, वहाँ पर वहीं पर किचन है, मैं कुछ भी कुक करूँ या व्लॉग करूँ तो वरुण का लैग रहता है कि नहीं रुक जा मीटिंग है, ये है वो है। अभी मैंने सोचा था कि यार वरुण जिस दिन ऑफिस जाएंगे उस दिन मुझे ये काम करना है, क्योंकि सामने वो करने ही नहीं देते कि नहीं मैं तो नहीं कोने में काम करूँगा घुस के, लेकिन ऐसा लगता है। बट अभी ना यहाँ बैठ के लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोने में घुसे हुए हो, एकदम बढ़िया परफेक्ट, उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा। वरना मेरे से उनको भी डिस्टर्ब होता है, उनकी मीटिंग में डिस्टर्ब होता है, कॉल्स में डिस्टर्ब होता है, अभी उनके लिए एकदम साइलेंट है, मेरे लिए एकदम बढ़िया है। मैं और यार अपना दोनों रूम में एंजॉय क्या करेंगे, और मैं अपना व्लॉग कर सकती हूँ एंड वो यहाँ पे अपना ऑफिस का काम कर सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली, कोई टेंशन नहीं है। बट अभी हम इस सोफे को रख देंगे बाहर, वैसे यहाँ भी रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको दिखाती हूँ यार एक बार पूरा लुक, ये देखो सही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। और कौन सा कोई आ रहा है हमारे घर में, मतलब स्पेस ऐसा भरा हुआ भी नहीं है, इजीली यू कैन डू अपना ऑफिस का काम यहाँ पे, है ना, परफेक्ट लग रहा है मुझे तो। और ये देखो हमारा रूम कितना खाली हो गया, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया, परफेक्ट। ये टेबल मुझे क्लीन करनी है एंड हाँ ये देखो मेरे ब्यूटीफुल से रोजेस, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रोजेस का एक बंच है जो मुझे दिया था वरुण ने। प्रियांश को मैंने सुला दिया है और तब तक मैं आ गई थोड़ा सा किचन सेट करने के लिए। किचन तो पूरा क्लीन है, बस मुझे ना ये जो बर्तन है ये लगाने हैं। और डिनर में सोच रहे हैं आज बनाने के लिए येलो वाले राइस, मतलब तहरी या फिर खिचड़ी, क्योंकि आलू के पराठे ना बहुत हैवी हो गया। और वरुण का भी फोन आया है कि भाई कुछ लाइट ही खाने का मन है, तो देखते हैं तभी, अभी तो कुछ तैयारी करनी नहीं है, तभी के तभी देखते हैं। आज मेरा शिंग ना बिल्कुल साफ पड़ा है, क्योंकि लंच वंच तक सुबह ही बन गया था और लंच के बाद जो बना है वो मतलब अभी कुछ बना ही नहीं है, अब कल सुबह बनेगा, उसके बाद फिर क्लीनिंग जो है मेरी
हो जाएगी। तो ये जो मेरा सिस्टम है ये बिल्कुल सही बैठा है, ये रूटीन है मैं फॉलो करने वाली हूँ। और पता है मैं क्या सोच रही हूँ, अभी धीरे धीरे करके, एक साथ तो नहीं बैठा, धीरे धीरे करके मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ वेट लूज करने के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। लाइक या तो मैं जिम जाना स्टार्ट करने वाली हूँ या फिर मैं सिंपली वॉक पे जाना स्टार्ट करने वाली हूँ। तो या तो अर्ली मॉर्निंग के रखूंगी या फिर शाम वाले रखूंगी। वॉक पे जाऊंगी ना तो रियांश के लिए भी जाएगा, मतलब रियांश को ज्यादा अर्ली मॉर्निंग वाली धूप मिलेगी विटामिन डी, या फिर सोच रही हूँ शाम को 4 बजे जाया करूँ तो गर्मी नहीं रहेगी बट विटामिन डी वाली ना धूप मिलेगी उसे। तो या तो 4 बजे का रखूंगी अपना या फिर अर्ली मॉर्निंग का रखने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या प्लान बनता है। बट हाँ, मैं थोड़ा सा ऐसे वर्कआउट तो कुछ नहीं करूंगी, बट हाँ कुछ ऐसे प्लान कर रही हूँ करने के लिए। बाकी मैं ना अपनी डाइट का भी कुछ ध्यान देने वाली हूँ। मेरी डाइट बिल्कुल भी, मतलब ऐसी डाइट वाली तो प्रेगनेंसी वाली डाइट कुछ भी नहीं चल रही है। सिंपली मैं ऐसा खाना वाना खा लेती हूँ, तो अभी तो ऐसा है कि पता नहीं चलता है, बट हाँ बाद में जब चीज़ें ना प्रॉब्लम देती हैं तो मैं कुछ अपना डाइट पे भी इतना ध्यान देने का प्लान कर रही हूँ। एंड फिर वेट पे भी धीरे धीरे रूटीन यह सेट हो जाएगा, बट उससे पहले अभी हम लोगों को ना, एक तो क्या है एक्चुअली में हम कुछ प्लान करते हैं बट उससे पहले फिर हॉस्पिटल विजिट्स आ जाते हैं। लाइक अभी आज मैं सोच रही हूँ ऐसा करूंगी बट 2 दिन बाद हमें हॉस्पिटल जाना है, तो फिर प्लान चेंज हो जाएगा, सारा रूटीन चेंज हो जाएगा। क्योंकि 12 को रियांश की सर्जरी है, वहां से आके फिर माइंड सेट हुआ कि भाई ऐसे करना है, फिर गोली आ जाएगी, फिर दोबारा रियांश की सर्जरी का आ जाएगा। तो अभी लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार जैसे भी टाइम मिला करेगा मैं ट्राई किया करूंगी कि थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ अगर ठीक है तो फिर यार आप बहुत चीजें कर सकते हो। तो हेल्थ का ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी स्पेशली आफ्टर डिलीवरी। क्योंकि स्टार्टिंग में भी क्या हुआ, हम लोग रियांश के चक्कर में ना मैंने डाइट ऐसा कुछ ज्यादा खास लिया नहीं था, तो तब तो चलो ठीक है भाई टेंशन है, बट अभी तो सारी चीजें सॉर्टेड हैं, तो अभी मुझे लगता है कि मुझे ना डाइट पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए अपनी। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अगेन। यहीं से ब्लॉग खत्म हुआ था, यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब किचन से। मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा सा मैं ऐसे, मतलब हम लोग ना वॉक करने चले गए, उसके बाद ऐसी बातें बातें किए तुम रियांश के साथ अगर हम बहुत खेले, वो वाले क्लिप्स मैं ऐड कर दूंगी रियांश के साथ वाले। और अभी 11:30 बज रहे हैं, उठ तो हम लोग 9 बजे गए थे, चाय वाय पी लिए, नाश्ता हो गया है, पर अभी ना मैं जस्ट थोड़ा सा क्लीन अप कर रही हूँ, वरना इतना बर्तन वर्तन नहीं लगा पाई थी। रियांश की ऑयलिंग चल रही है तो उसके ड्रामे बाजी चल रहे हैं, बर्तन वर्तन लगा देती हूँ जल्दी से, क्योंकि फिर अभी आने वाली होंगी आंटी, तो जल्दी से सब सेट कर देती हूँ। 1/2 घंटे से मैं इन सब चीज़ों में लगी हूँ, घर तो मैंने पूरा सेट कर दिया, बस बर्तन रह गया लगाना।